अच्छाई और बुराई दोनों चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं, इसलिए आप और मैं हर दिन जो छोटे छोटे निर्णय लेते हैं वो इतने महत्व के होते हैं। इंसान निर्णय लेता है और फिर ये निर्णय ही इंसान को बनाते हैं। कई लोग सही डिसीजन लेने की प्रोसेस और डिसीजन लेने में होने वाली गलतियों पर एनालिसिस चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाई जा रही है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि निर्णय लेने में हम आपकी पूरी मदद करें। इस वीडियो में निर्णय लेने के सारे प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही यह भी डिस्कस करेंगे कि लोगों को निर्णय लेने में क्या दिक्कतें आती हैं और साथ ही सही डिसीजन कैसे लें। इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे ऐसी ज्ञानवर्धक कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हम जीवन में रोज छोटे से लेकर बड़े डिसीजन लेते हैं, जैसे आज सुबह एक्सरसाइज करें या ना करें, कौन से कलर का या डिजाइन के कपड़े पहने, कौन सा जॉब साइन करें, किसे अपना जीवन साथी बनाएं, कहाँ रहें और बसें इत्यादि। ये डिसीजंस हम अपने पूर्वाग्रहों, तर्क, उपलब्ध जानकारी, इमोशंस और यादों से प्रभावित होकर लेते हैं। जो भी डिसीजन हम लेते हैं वे अपने तय रिजल्ट के साथ वापस लौट आते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर या दिन में एक्सरसाइज नहीं करने से हमें पता है कि क्या होगा, फिर भी हम अनेकों बार गलत निर्णय लेते ही हैं। कई बार हम असमंजस की स्थिति में होते हैं तो निर्णय नहीं ले पाते। वे कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं ये करूं या वो करूं, करूं या ना करूं। ऐसा तब होता है जब आपके पास असमंजस मौजूद हो या कई सारे ऑप्शंस मौजूद हो। कई लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में घृणा करते हैं क्योंकि उन्हें एक ऑप्शन चुनना बहुत कठिन लगता है। कई बार निर्णय लेने में अक्सर त्याग या कुछ लेने पर कुछ छोड़ना शामिल होता है, कुछ ऐसा जो लोगों के लिए असहनीय हो सकता है, लेकिन यही सत्य है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपके दिमाग में डोसा और मंचूरियन दो में से कोई एक डिश ऑर्डर करने का सवाल आता है। आप मंचूरियन ऑर्डर तो कर देते हैं लेकिन सोचते डोसा के बारे में रहते हैं। यदि मैं डोसा ऑर्डर करता तो कैसा होता? आप खा अपनी प्लेट में मंचूरियन रहे हैं लेकिन आपका ध्यान डोसे पर होता है। इसे मैनेजमेंट की भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। और अपने मन को कंट्रोल कर समझाने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। निर्णय न ले पाने का एक बड़ा कारण यह है कि हम यह सोचने लगते हैं कि मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। तो यह बात समझ लें कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कंफ्यूज होने और दुखी होने का एक और कारण दूसरों की राय से अत्यधिक चिंतित या अधिक निर्भर होना। कई लोगों के लिए दूसरों के से बिना पूछे पर्सनल डिसीजन लेना भी मुश्किल है। उनके बेहद निजी निर्णय भी उनके आसपास के लोगों की एक समिति लेती है। ऐसे लोग अकेले में अनेकों बार गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसलिए अब हम आपको सही डिसीजन लेने के लिए 5 पावर टिप्स दे रहे हैं, जिनको यदि आपने अपने जीवन में अप्लाई किया तो आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी और असमंजस की स्थिति भी नहीं बनेगी। अंदर की आवाज सुने, हियर योर इनर वॉइस। किसी भी निर्णय को करते वक्त
सबसे पहले अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना चाहिए। इस आधार पर लिए गए निर्णय लॉन्ग टर्म में अक्सर सही होते हैं, खासतौर पर निजी जीवन के बड़े फैसले जैसे शादी, नौकरी, करियर आदि। याद रखें, अपना पूरा जीवन अपने साथ ही जीना है। अंदर की आवाज का विश्लेषण करें, एनालाइज योर इनर वॉइस। अब अपने अंदर की आवाज का विश्लेषण या एनालिसिस पूरी निर्ममता से करें। अपने आप का एनालिसिस करके पूछें कि मेरा ये सोचना ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों चाहता हूं आदि। यदि पिछले अनुभव से आगे का निर्णय ले रहे हैं तो क्या बाहरी परिस्थितियां अब भी वैसी ही हैं? उपलब्ध जानकारी की कसौटी, यूज ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन। अब अपने निर्णय को उपलब्ध इंफॉर्मेशन की कसौटी पर चेक करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई शाहरुख खान की सफलता को मिसाल मानकर ये समझे कि वह भी बॉलीवुड में सफल हो जाएगा, तो उसे पहले एक सफल उदाहरण के साथ सैकड़ों असफल उदाहरणों पर भी विचार करना चाहिए। जल्दी ना करें, नेवर रश डिसीजन। गलत निर्णय होने का एक बड़ा कारण जल्दबाजी होता है, तो अनावश्यक जल्दबाजी ना करें और पूरा समय सोच समझकर ठोंक बजाकर निर्णय लें। अपना डिसीजन स्वयं करें, ओन योर कॉल्स। बहुत बुरा होता है जब लोग डिसीजन तो खुद लेते हैं लेकिन फेल होने पर किसी और पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। ये कमजोर चरित्र की निशानी है। चाहे जो हो जाए, अपना डिसीजन फुली ओन करें, अर्थात पूरी जिम्मेदारी लें। तो दोस्तों, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल रखें, खूब सोचें, जरूरी इन्फॉर्मेशन एकत्र करें और एक इस सूचना का प्रयोग करें। सुने सबकी और अपना डिसीजन खुद लेकर उसकी ओनरशिप लीजिए, करके दिखाइए।